मास्टर की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे राजमा। राजमा हम सभी को पसंद है, रोटी के साथ या चावल के साथ खासकर इसे हम लोग खाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं राजमा। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है राजमा 250 ग्राम। ये काला राजमा मैंने लिया है। 250 राजमे को मैंने 7 से 8 घंटे पहले भिगा दिया था। और इसका अगर अच्छा परिणाम चाहिए तो हमें रात में भिगा देना चाहिए। तो अच्छी तरीके से ये भीग जाता है तो इसके उबालने से बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है। और इसको भिगाने के बाद सुबह मैंने पानी से निकाल दिया और इसको 1 गिलास पानी में, फ्रेश पानी में मैंने 4 सीटी आने तक पका लिया है। फिर जब कुकर ठंडा हो गया फिर मैंने राजमा को निकाल लिया। आप देखिए ये अच्छे तरीके से पक चुका है। और इसके अंदर डालने के लिए 2 टमाटर हमने लिया है, इसकी प्यूरी बनाकर मैंने रख लिया है। 1 प्याज, 7 से 8 कलियां लहसुन की, और 1 अदरक को मैंने पीस करके और इसका भी पेस्ट बनाकर रख लिया है। 1 बड़ा चम्मच हरी धनिया कटी हुई मैंने लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। आप अपने मनपसंद ऑयल में राजमा को बना सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और अब हम राजमा बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दिया है। और इसके अंदर ऑयल को डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। जीरा हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है। इसके अंदर हम तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। इसे भी हल्का सा हम भून लेंगे। और इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट हम डालेंगे। हल्दी पाउडर भी डालेंगे। सबको मिलाकर 1 मिनट भून लेंगे। मैंने 1 मिनट भून लिया है। और इसके अंदर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर में डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर मिला देंगे। इसके अंदर डालेंगे टमाटो प्यूरी और फिर मसाले के साथ हम मिक्स कर देंगे। और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मैंने इसे 3 मिनट तक भून लिया है। लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरीके से पक चुके हैं। और इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। इसके अंदर राजमा डाल देंगे। मैंने राजमा उबाला था, उसके अंदर जो पानी था मैंने इसी में उसको रहने दिया था। उसी के साथ मैं राजमा को इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक डालेंगे एक छोटा चम्मच। नमक इसके अंदर हम डाल देंगे। मैंने राजमा को उबालते समय 1/2 चम्मच नमक इसके अंदर डाल दिया था, इसलिए नमक को हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे। मिक्स करेंगे। थोड़ी सी धनिया डालेंगे। इसके अंदर हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे या फिर जितनी ग्रेवी रखनी है आपको उतना पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे और इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हम राजमा को चेक करेंगे और
देखिए राजमा हमारा वो अच्छी तरीके से पक रहा है। इसे हम चला देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हम हमने दो हरी मिर्च काट करके रखी है इसे डालेंगे और कुछ अदरक को मैंने लंबे लच्छों में काट कर रखा है इसे भी डाल देंगे। हरी धनिया डालेंगे, सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे 2 मिनट हम और पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, फिर राजमा को हम चेक करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से पक चुका है और इसकी ग्रेवी भी काफी गाढ़ी हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और राजमा को सर्विंग बाउल में निकालेंगे। गार्निशिंग करेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, अदरक के कुछ लच्छे डालेंगे इसके ऊपर हम, प्याज और हमारा राजमा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने व्यू हमें जरूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए